एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत कलाल एकता समाचार से गांव गद्दा से रिपोर्ट लेते हुए अपने गद्दा में रीट अभ्यर्थी बहुत दूर दूर से जो बता रहे हैं उनके लिए रहने खाने की उत्तम व्यवस्था गांव के बमशों द्वारा बहुत ही सराहनीय योगदान किया गया। गलियाकोट के निकट ग्राम पंचायत गरियता में रीट का सेंटर होने के कारण बहुत से अभ्यर्थी दूर दराज क्षेत्रों से गांव में आए थे, तो गांव के भामाशाहों ने मिलकर एक अनूठी पहल की इकट्ठा की और उन अभ्यर्थियों को रात का भोजन, रहने की व्यवस्था, सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई। हमारे साथ गांव गरजा के युवा सरपंच साहब हैं, अपने ये रीट अभ्यर्थियों के लिए कैसी व्यवस्था रही उसके बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करें। आज यहाँ गरियता में रीट का जो सेंटर था उसमें कम से कम 140 से 150 के बीच में विद्यार्थी उपस्थित हुए, उनके लिए शाम के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई जिसमें लड्डू, चावल, बाटी सब व्यवस्था थी। सुबह में उनके लिए चाय, नाश्ता, उसके अलावा पौए, समोसे दिया गया। इसके अलावा दोपहर में जब इनके लंच टाइम हुआ तो हमारे आदरणीय नानूलाल जी कलाल की तरफ से मिठाई, पूड़ी, सब्जी, रोटी और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और विद्यार्थी सभी खुश होकर अभी वापस अपने एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं। हमारे साथ गांव के सभी समाज सेवी हैं, उनका भी इस रीट अभ्यर्थियों के भोजन और रहने की व्यवस्था में अमूल्य योगदान रहा, उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। आज जो रीट की परीक्षा जो 26 तारीख को आयोजित की गई थी, इसमें पहले से ही राज्य सरकार से यही कोई विचार था कि समाज सेवी जो हों तो व्यवस्था ठीक होगी, तो हमको भी ये मालूम पड़ा तो हमने भी यहाँ समाज सेवा के लिए हमने संपर्क किया, तो हमको दो भामाशाह यानी कल रात का भामाशाह श्री कमलेश बिगाड़ा जी प्रजापत की तरफ से भोजन था और आज का श्री नानूराम जी, मणिलाल जी, महाचंद जी, मोड़ पटेल की तरफ से सारा भोजन की व्यवस्था की गई और सारे कार्यकर्ता हमारे गांव के सामने सहयोग दिए। इसी बीच हमारे साथ श्रीमान नीरज जी भाई साहब भी, उनसे भी इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या माहौल रहा इन विद्यार्थियों के भोजन और रहने खाने की व्यवस्था में आपका? जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, हमारे गांव में जितने भी भामाशाह, हर व्यक्ति भामाशाह के रूप में ही है। जहां पर भी जैसे ही बात आ गई तो यहां हमारे एक साथ में ज़्यादातर मतलब एक कंपटीशन होगा कि मैं भोजन दूंगा, मैं भोजन दूंगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, बाहर से जो भी आ रहा है वो हमारे लिए अतिथि है और उन लोगों के लिए भोजन देना हमारा फर्ज बनता है, तो उनके लिए हमारे भामाशाह द्वारा और सभी युवा मंडल, ग्रामीण जन, हमारे जितने भी हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। मेरे साथ आप देख सकते हो, ये हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सब यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, ये सभी संभागी हमारे यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और संभागियों से यही है कि आने वाली आपकी परीक्षा है वो भी आप बड़े तन्मयता से दो, हमारी सबकी आपके साथ शुभकामनाएं है। एकता समाचार का, जैसे कि हमारे एकता समाचार में हर समय हमारे गांव से उनका बहुत ही लगाव है, जितनी भी छोटी सी भी खबर हो तो भी एकता समाचार में हमारे जो शेख साहब हैं वो हमारी खबर को प्राथमिकता से छापते हैं। आप तो कल से हो गए यहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप तो हमारे लिए अतिथि हो, अगर कोई तकलीफ पड़ी हो जो भामाशाह हमारे नानूलाल जी, अशोक जी मोड़ पटेल, उनके पिताजी स्वर्गीय मणिलाल जी, सौनव नाथू जी मोड़ पटेल का परिवार है, उन परिवार के द्वारा देखो ये सेवा भावना से काम किया जा रहा है। ये सब भामाशाह है, ये नानूलाल जी की मदर तो पहले ही हमने बताई, दादी माँ, और ये इनकी बुआ जी है, ये इनकी बहन है, इनकी पत्नी, ये अशोक जी की पत्नी, ये इनके सासू जी, आप ये काकी जी है बड़ी, और इनके द्वारा देखो ये खुद, जबकि इनको उन्होंने ये रसोई बनाने के लिए सब ठेके पे दिया फिर भी ये सेवा भावना से अपना काम कर रहे हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है।